बाबा रामदेव की कंपनी पतंजलि के प्रोडक्ट को इलाहाबाद स्थित शोरूम में डिस्काउंट पर बेचा जा रहा था। थोड़े बहुत नहीं बल्कि 50% के डिस्काउंट पर मिल रहा था। डिस्काउंट की खबर के बाद एक और जहां बड़ी संख्या में भीड़ जुटी थी, वहीं अचानक फूड विभाग की टीम की छापामारी से हड़कंप मच गया। जहां पे पता चला ओवरडेट हो चुके प्रोडक्ट को डिस्काउंट देकर बेचा जा रहा है। इलाहाबाद के सिविल लाइन स्थित पतंजलि स्टोर में ओवरडेट के सामानों को डिस्काउंट पर बेचा जा रहा था और यह डिस्काउंट आधे से कम की कीमत पर था, जिसे लेने के लिए ग्राहकों में होड़ मच गई और बड़ी संख्या में लोग पतंजलि स्टोर पहुंचने लगे। डिस्काउंट की खबर शहर में फैली तो फूड विभाग के अधिकारी भी सक्रिय हुए हैं और तत्काल एक टीम बनाकर पतंजलि स्टोर में छापामारी की गई। टीम ने मौके से लाखों रुपए के प्रोडक्ट कब्जे में ले लिए हैं। कब्जे में लिए गए सारे प्रोडक्ट ओवरडेट हैं और उन्हें छूट देकर ग्राहकों को बेचा जा रहा था। छापामारी करने वाली टीम ने बताया कि यहां सीधे तौर पर उपभोक्ताओं की सेहत से खिलवाड़ किया जा रहा था। यह उत्पाद तो यहां मौजूद ही नहीं होना चाहिए, लेकिन एक सप्लायर हो चुके प्रोडक्ट को न सिर्फ यहां पतंजलि स्टोर में रखा गया बल्कि उसे डिस्काउंट देकर लोगों को बेचा भी जा रहा था। टीम ने ओवरडेट सामानों को कब्जे में लेकर सील कर दिया है। फूड विभाग ने पतंजलि को नोटिस जारी किया है, साथ ही स्थानीय स्टोर संचालक को भी नोटिस जारी करते हुए कानूनी प्रक्रिया शुरू कर दी है।